नमस्कार, खटपट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रीता। ये देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों की खबरें फटाफट। रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने फटाका व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए फटाका दुकानों को बंद नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन को निर्देश दिया है कि दरअसल विधायक विकास उपाध्याय की अगुवाई में शुक्रवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी महागठबंधन ने सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और आरजेडी वाले महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाओं के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पटना के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बदमाश हत्या जैसे कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं। ऐसा ही मामला बिलासपुर से आया है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी। बता दें, तीन आरोपियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैरिज एवं वैगन रायपुर के वरिष्ठ तकनीशियन बबलू कुमार ने ट्रेन बोगी में कनेक्टिंग लीवर और फ्लोटिंग लीवर पिन नहीं होने पर तत्काल सुधार और दुर्घटना होने से बचाया। इस कार्य के लिए वरिष्ठ तकनीशियन बबलू कुमार को रायपुर रेल मंडल के DRM ने सम्मानित किया है। मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्याम सुंदर गुप्ता ने सराहनीय कार्य के लिए वरिष्ठ तकनीशियन बबलू कुमार को प्रशस्ति पत्र और नगद राशि से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ में दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने निवास पर धान का झालर बांधने की रस्म पूरी की। बस्तर से लेकर सरगुजा तक इस तरह के झालर आंगनों और द्वारों पर लटकाए जाने की परंपरा है, जिसे पटहा या पिंजरा कहा जाता है। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए खटपट न्यूज के साथ। नमस्कार।